प्रकृति के प्रति अगर मन में सम्मान और हृदय में प्यार है तो विज्ञान मानवता के लिए एक अनुपम उपहार है। रांची दूरदर्शन केंद्र के इस क्विज कार्यक्रम में, जिसका नाम है खुद को जाने खुद को परखें, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ तीन ग्रुप है और आज का जो हमारा विषय है वो है सामान्य विज्ञान का विषय। तो देखते हैं कि ए बी सी तीन ग्रुप में कौन आज बाजी मारता है। चार राउंड का यह मुकाबला है, लेकिन उससे पहले परिचय प्राप्त करते हैं। ग्रुप ए, आप अपना परिचय दें। सुनील कुमार गिरी, रांची यूनिवर्सिटी, एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट। सुमन कुमार वेरा, रांची यूनिवर्सिटी, एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट। ग्रुप बी, सौरभ कुमार, रांची यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मानसी अग्र, रांची यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ग्रुप सी, मेघा कुमारी, रांची यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। श्रुति मिश्रा, रांची यूनिवर्सिटी, जूलॉजी डिपार्टमेंट। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं बताऊं कि चार राउंड का हमारा यह क्विज कार्यक्रम है और हर राउंड में क्या नियम परिनियम है उसके साथ हम चलते चलेंगे। yes, सबसे पहले पहला राउंड जो है हमारा, ये पहला राउंड जो है ये हमारा एक सामान्य एमसीक्यू राउंड है, जिसमें हम एक सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। मैं चार ऑप्शन भी बताऊंगा, आपको उसका जवाब देना है। हर एक सही जवाब के लिए 10 अंक मिलेंगे। अगर आप जवाब 10 सेकेंड के अंदर में नहीं दे सकते हैं तो फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ए नहीं दिया तो बी को, फिर बी अगर वो सही जवाब देता है तो उसको 10 अंक मिलेंगे, अगर बी ने भी नहीं दिया तो फिर सी को, मतलब इसी तरह से वो जाएगा, अंत में कोई नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं और ग्रुप ए, आपको यह इसका उत्तर देना है। किस तापमान बिंदु पर सेल्सियस और फारेनहाइट एक समान होते हैं? ऑप्शन, पहला ऑप्शन 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन -20 डिग्री, चौथा ऑप्शन -40 डिग्री। सेल्सियस और फारेनहाइट एक समान होते हैं। -40 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब आपने कहा है, बधाई। अब ग्रुप बी, आपके लिए सवाल है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन लिथियम, तीसरा ऑप्शन हीलियम और चौथा ऑप्शन लोहा। हाइड्रोजन। यह गलत जवाब है, धातु है, लेकिन यह पास जाएगा। और अब ग्रुप सी, आपको एक बोनस अंक कमाने का मौका है। आप बताएं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या लोहा? लिथियम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अब ग्रुप सी, आपसे सवाल है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन कान, दूसरा ऑप्शन आंख, तीसरा ऑप्शन ब्रेन, चौथा ऑप्शन हृदय। ब्रेन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और पहले चक्र में आ गए हम लोग। तीन चक्र इसमें हमारा है तो अब दूसरे चक्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पहला सवाल जो है वो ग्रुप ए आपसे है। इसका मोती, जिसे हम लोग पर्ल भी कहते हैं, मुख्य रूप से बना होता है। पहला ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ये जवाब सही नहीं है, पास हो गया क्वेश्चन। ग्रुप बी, कौन सा ऑप्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही जवाब है, ग्रुप बी को बोनस पॉइंट मिलता है +10, बहुत बहुत बधाई। और अगला भी सवाल आप ही से है, तो अब अगला जो सवाल है ग्रुप बी आपसे वह यह है। रक्त अर्थात ब्लड शरीर में क्या कार्य करता है? पहला, सारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है, मानव शरीर को खड़े होने में सहायता करता है, तीसरा ऑप्शन भोजन पहुंचाने में सहायक है या चौथा ऑप्शन सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑप्शन 4, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब, बधाई आपको। अब
दूसरे चक्र का अंतिम सवाल जो है वह ग्रुप सी से है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण है? पहला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर चौथा ऑप्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सही जवाब नहीं है। हम ग्रुप ए के पास जा रहे हैं कि आपके पास से बोनस कमाने का मौका है। ऑप्शन फोर सर, प्रकाश का अपवर्तन। yes, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप ए आपको यह बोनस अंक प्राप्त होता है। बहुत बधाई, आप सबने एक एक बोनस अंक एक दूसरे से चुराया है। बहुत अच्छी बात है ये। तो अब फर्स्ट राउंड का ये लास्ट सर्किल है, ठीक है? सबके लिए एक प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ग्रुप ए आपके लिए, तैयार हो जाइए। स्थानीय वनस्पति का संग्रह, कलेक्शन क्या कहलाता है? हर्बेरियम, दूसरा ऑप्शन सेनिटेरियम, तीसरा ऑप्शन प्लेनेटेरियम, या चौथा ऑप्शन कार्बेरियम। ऑप्शन थ्री सर, प्लेनेटेरियम। ये सही जवाब नहीं है। अब ये पास में गया है होते हुए ग्रुप बी को। जल्दी, समय निकल रहा है। सेकंड ऑप्शन सेनेटेरियम। सेनेटेरियम भी सही जवाब नहीं है। फाइनली ग्रुप सी आपके पास है, हर्बेरियम। बिल्कुल सही जवाब है। और सी को एक बोनस अंक इसके लिए प्राप्त हो रहा है, मतलब 10 अंक बोनस में है। बहुत बहुत बधाई। अब ग्रुप बी आपकी बारी है, आपके लिए सवाल है। बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा, गतिज ऊर्जा का संभावित ऊर्जा में रूपांतरण। चौथा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सर ऑप्शन इंग्लिश हो सकता है क्या? कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का रूल, रेखीय संवेग मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, और ऊर्जा संरक्षण मतलब हो गया जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन है उसका नियम। सेकंड ऑप्शन लीनियर मोमेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम है। बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे से, और आपको तकलीफ हुई तो आपने हिंदी से अंग्रेजी में पूछा। और अब इस पहले राउंड का आखिरी सवाल ग्रुप सी आपके लिए है, तैयार है? यस सर। गुड। तेल के ताजे नमूनों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किस गैस का उपयोग होता है या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, दूसरा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम या नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम या नाइट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और जो फ्रेश सैंपल होता है ऑयल को, उसके लिए हीलियम या नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में ही उसको सेव और प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब गैस के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत बधाई, राउंड वन कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं राउंड टू, जिसे कहा जाता है विजुअल राउंड। इस राउंड का मैं नियम बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक फोटो आएगा, आपको उसको पहचानना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान से ही विषय है, तो जो भी फोटो आएंगे वो विज्ञान से ही जुड़े विषयों पर रहेंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 10 अंक प्राप्त होगा। गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ट्रांसफर होगा, अगर ए ने सही जवाब नहीं दिया तो ये बी को मिलेगा मौका, और बी से फिर सी को, और इस प्रकार चलते रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं विजुअल राउंड के लिए? Yes, तो क्रम से शुरू करते हैं ग्रुप ए से ही। ग्रुप ए आपके लिए एक तस्वीर है, इमेज है, आप उसको देखें और पहचान कर आपको 10 सेकंड में अंदर में उसका उत्तर देना है। Yes, ठीक है। तो ग्रुप ए आपके लिए ये रहा तस्वीर। इन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही उपग्रह टेलीविजन प्रसारण के विकास में भी इनकी अग्रणी भूमिका है। पहचानिए ये जो तस्वीर है वो किनकी है।
समय समाप्त हो रहा है, अब यही ग्रुप बी को ट्रांसफर होगा। विक्रम साराभाई। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ये विक्रम अम्बाला साराभाई हैं। और चंद्रयान जब भी, चाहे 1, 2 या 3 जब भी प्रक्षेपित होता है, तो विक्रम लैंडर के रूप में उनका नाम जो है ना सम्मानित रूप में दिया जाता है। बहुत बहुत बधाई, आपने 10 अंक एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। अब अगला जो विजुअल है वो ग्रुप बी आपके लिए है, और ये रहा विजुअल। इन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेस मुंबई की स्थापना करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो बताइए क्या है सही जवाब इसका? सर, होमी जे भाभा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ये हैं होमी जहांगीर भाभा, और आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला था। और इनका जो है मतलब एटमिक रिसर्चेज में इन्होंने भारत को आज जो ऊंचाई प्राप्त किया है उसके लिए इन्होंने पहला कदम इन्होंने ही रखा था। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब ग्रुप सी आपके लिए सवाल है, तैयार हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, तो देखते हैं हम लोग तस्वीर को। ये पूर्व में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। इन्होंने व्हीकल स्ट्रक्चर लॉन्च करने में अपना एक्सपर्टिज्म प्राप्त किया हुआ है। के शिवन जो कि इसरो के अध्यक्ष थे, उसके बाद इन्होंने इसरो का पद भार संभाला है अध्यक्ष के रूप में। क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये एस सोमनाथ हैं। और जो चंद्रमा पर पहुंचने का जो मिशन 3 है उसको सफलतापूर्वक पहुंचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो विजुअल राउंड यहीं पर होता है समाप्त, अब 2 राउंड आगे भी है, तो शुरू करते हैं राउंड 3। यह राउंड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है नेगेटिव मार्क आ चुका है। अगर अब आप गलत जवाब देंगे तो आपको 5 अंक खोने पड़ेंगे, -5 मार्क्स है। हर एक सही जवाब के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, और ये 1 मिनट के अंदर ही इसका जवाब देना है। इसे रैपिड फायर राउंड कहा जाता है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको सुनना है, तुरंत उत्तर देना है। तो क्या ग्रुप ए आप तैयार हैं? यस सर। तो ग्रुप ए आपके लिए रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, लाइट की इंटेंसिटी की क्या यूनिट है? हर्ट्ज। गलत, ये कैंडला है। एलपीजी की रासायनिक संरचना केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? पस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन है। किस जीव को प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का एक लिंक कहा जाता है? ये युग्लिना है, युग्लिना को एनिमल प्लांट सेल के बीच का लिंक कहते हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। बिल्कुल सही जवाब है। और सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है? पस। यह डीएनए है, डीएनए को सेल का जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। हम आप पौधे जो भी बने हैं वो डीएनए के द्वारा ही बनते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, आप बधाई हो, आपने हाँ आपने एक गलत और एक सही जवाब दिया है। अब लेकिन अब बारी जो है वो है ग्रुप बी की। ग्रुप बी हम लोग आप पर आते हैं, क्या आप तैयार हैं? यस सर। रैपिड फायर के लिए सवाल? यस सर। बिल्कुल, आपका समय शुरू होता है अब। पहला प्रश्न, पृथ्वी का यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? पृथ्वी पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वाटर। सही जवाब। थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम को एंट्रोपी का नियम कहा जाता है? सेकेंड लॉ। सही जवाब। हमारे बालों के प्रोटीन का क्या नाम है? केराटिन। सही जवाब। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। सही जवाब। सापेक्षता का नियम किसने प्रस्तावित किया था? इंग्लिश। लॉ ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टीन। सही जवाब। बिल्कुल आपने सब सही जवाब दिया है, हैं पांचों को पांचों, पूरा तैयारी करके आए हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब ग्रुप सी आपकी बारी है, क्या आप तैयार हैं? यस सर। शुरू करते हैं, आपका अभी समय शुरू होता है। हमारे रेटिना के कौन सा सेल कलर को रिस्पॉन्स करता है? कौन सेल? सही जवाब। किस गैस को मार्श गैस कहा जाता है? हीलियम। गलत जवाब। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? राइबोसोम। सही जवाब। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सही जवाब। किस भारतीय वैज्ञानिक ने
प्रकाश के स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में अपने काम के लिए नोबेल प्राइज जीता था? पास, पास। ये सीवी रमन है, रमन्स इफेक्ट कहा जाता है, और भारत में विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के उस इफेक्ट के दिवस पर मनाया जाता है। बहुत बहुत बधाई आपका, आपने 3 सही और 1 गलत और 1 आपने पास कर दिया है। तो अब इस रैपिड फायर राउंड का स्कोर मैं बताता हूँ आपको। ग्रुप ए आपने 5 अंक कमाए हैं, ग्रुप बी आपने 50 के 50 अंक, और ग्रुप सी आपने 25 अंक प्राप्त किए हैं। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई है। और अब जो है ना, आपको अंतिम राउंड से पहले अपने आप को तैयार कर लेना है कि क्या उलट पुलट हम कर सकते हैं, क्या बदल सकता है स्कोर। तो शुरू करते हैं हम लोग चौथा और फाइनल राउंड। ये भी रैपिड फायर राउंड की तरह ही है, लेकिन इसमें सवाल नहीं है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है सही या गलत। इसके लिए भी नियम वही है, हर एक सही अंक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, हर एक गलत जवाब के लिए -5, और जिसे आप पास कर देंगे उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। एक मिनट में आपको इसका उत्तर देना है, बहुत सावधानी और चतुराई का इसमें उपयोग करना है। तो क्या ग्रुप ए बी और सी तैयार हैं? यस यस सर। जोश है? यस सर। क्या कुछ भी हो सकता है? यस सर। अभी तो बी भारी पड़ रहा है, तो क्या बी को पछाड़ सकता है कोई? देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, ग्रुप ए आपके साथ हम शुरू करते हैं। लंग फिश फिश और स्नेक के बीच की एक कड़ी है। गलत। बिल्कुल सही जवाब। इसका सही उत्तर होगा कि लंग फिश जो है वो एम्फीबिया और फिश के बीच का सही एक लिंक है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। सही जवाब। डॉपलर इफेक्ट प्रकाश प्रवर्तन से संबंधित है। नो सर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। उत्तर थोड़ा सा दम लगा दीजिए, आप सही बोल रहे हैं, घबराने की क्या बात है। डॉपलर इफेक्ट साउंड से जुड़ा हुआ है, ध्वनि से जुड़ा हुआ है। कालाजार पैरासाइट एक प्रोटोजोआ है। पास। ये कालाजार जो है यह सही है, कालाजार जो है वह एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है। लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, हेमेटाइट लोहे का एक ओर है। सही। बिल्कुल सही जवाब है ये। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बैकअप किया है। 4 आपने सही जवाब दिया, 1 आपने पास किया है। देखते हैं कि फाइनल अंक में कितना बदलाव आता है। बी देख लो भाई, सावधान हो जाइए, अगर ये राउंड में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो कोई ना कोई आपसे बढ़ सकता है आगे। तो क्या ग्रुप बी आप तैयार हैं? यस सर। आपको सिर्फ सही या गलत बोलना है, पास करना है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अभी। पादप कोशिका प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बना है। यस सर। सही जवाब। विस्कोसिटी गैस का एक कैरेक्टर है। नो सर। सही जवाब। ये विस्कोसिटी जो है लिक्विड का मतलब तरल पदार्थों का एक गुण है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भाभा है। नो सर। सही जवाब। इसका नाम है लैंडर का नाम विक्रम लैंडर। स्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। स्पार्टेम एक कृत्रिम स्वीटनर है। पास। ये सही स्टेटमेंट है, ज्यादातर जो है स्पार्टेम ही उपयोग किया जाता है मीठापन के लिए। डीपीटी बच्चों को जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए दिए जाने वाला एक टीका है। पास। ये सही स्टेटमेंट है, जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया से बचने के लिए डिफ्थेरिया पर्टुसिस और टिटनस 3 से बचने का होता है। तो आपने बहुत सावधानी बरता, कोई निगेटिव अंक नहीं कमाया है, बरतना भी चाहिए जब आप जीतने के मोड़ पर हैं तो। लेकिन ग्रुप सी तय करेगा कि कौन बाजी मारेगा। क्या ग्रुप सी? यस सर। नर्वस तो नहीं है? नो सर। पक्का? यस सर। 5 सवाल 50 अंक, -5 हो सकता है, सावधान रहना है आपको। शुरू करें, आपका समय अब शुरू हो रहा है। पहला, आयरन पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, पपड़ी कोर रीजन में। फॉल्स। सही जवाब। क्लोस्ट्रीडियम ब्रैक्टीरिया टिटनस का कारण बनता है।
क्लॉस्ट्रिडियम. ट्रू. सही जवाब. स्टेपस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है. ट्रू. सही जवाब. लाल प्रकाश का वेवलेंथ नीले प्रकाश की तुलना में कम होती है. फॉल्स. सही जवाब. लास्ट, चांदी धातुओं में सबसे अधिक सुचालक माना जाता है, मतलब सिल्वर मेटल्स में सबसे ज्यादा कंडक्टर माना जाता है. ट्रू. सही जवाब. बिल्कुल आपने सब सही जवाब दिया है. तो इस राउंड में आपने सबने अच्छा दमखम दिखाया है, वापसी किया है, कुछ लोगों ने, ग्रुप ए ने वापसी किया है. अब देखते हैं कि फाइनल स्कोर क्या है. दिल की धड़कन बढ़ रही होगी. यस सर. बताते हैं अभी तुरंत. तो मेरे पास फाइनल स्कोर शीट आ चुका है. क्या लगता है बी और सी में? चलिए मैं बताता हूं. अब दिल की धड़कन को, दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि अब कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है. सबसे शुरू करते हैं जिनको सबसे आज कम अंक प्राप्त हो पाया है. प्रयास सबने बहुत अच्छा किया है. कोई विजेता और कोई मतलब लूजर नहीं है. सब विनर है. जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सब विनर माने जाते हैं. लेकिन आज प्रश्न के साथ जिनकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही, ग्रुप ए आपको मिलता है 65 अंक. बहुत बहुत बधाई. ग्रुप सी आपने 125 अंक प्राप्त किए. आपको बता दूं आप काफी नजदीक, मतलब बहुत ही कम अंतर से ग्रुप बी से पीछे हैं. आपको बहुत बहुत बधाई. अब विजेता तो हम लोग जान चुके हैं. ग्रुप बी ने बहुत दमखम से और अच्छे से सवाल का जवाब दिया है. ग्रुप बी आपको बहुत बहुत बधाई. आपने 130 अंक प्राप्त किए, 130 पॉइंट्स. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन. बहुत ही बहुत बधाई हो. और अच्छी बात क्या है कि आप सबने बहुत अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक इस क्विज में, सामान्य विज्ञान के इस क्विज में भाग लिया है. और मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं. चूंकि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आपको इसी प्रकार के प्रश्नों से सामना करना पड़ेगा. तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह क्विज बहुत अच्छा लगा होगा. और निश्चित रूप से आपने भी सवालों के जवाब अपने मन में ज़रूर बताए होंगे. आपने अपने दोस्तों के साथ अगर आप देख रहे हैं तो आप भी सही जवाब बता रहे होंगे. और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, यह क्विज कार्यक्रम जो आप सबके लिए ख़ास है. और इस कार्यक्रम का फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं. स्क्रीन पर आप देखिए हमारा ईमेल आईडी है. और खुद को जाने, खुद को परखे इस क्विज प्रोग्राम में. आप दर्शकों ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया है. और इस जो भी आज हमारे नौजवान ग्रुप ए बी और सी के आप कैंडिडेट हैं, आप सब लोग आए, आप सब लोग भागीदारी निभाए. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मुझे और दूरदर्शन की हमारी टीम को दीजिए इजाज़त. फिर मिलते हैं अगली कड़ी में. खुद को जाने, खुद को परखें क्विज में. और तब तक आप भी तैयारी करते रहिए. नमस्कार.